हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेस सेंटर। हम टू द पॉइंट का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी न्यूज में है। ये उस टॉपिक को हम मोस्टली कहते हैं, नाम है उसका आप इंटरपोल। हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया और वो क्यों न्यूज में था हमें पता है कि नाइटिक एनुअल कॉन्फ्रेंस असेंबली जो है कि इंटरपोल का इंडिया डिले में होने जा रहा है। तो इसमें ये देखा गया कि इंडिया में हो रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और भी ये ऑलमोस्ट आपका 100 ईयर जो है कि कंप्लीट भी करने वाला है, राइट। सो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरपोल का पूरा फुल फॉर्म क्या है। देखिए इंटरपोल, अब देखिए इंटरपोल है ये, राइट। अब इंटरपोल कॉमनली जाना जाता है, लेकिन इसका अगर ऑफिशियली देखा जाए इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इंटरनेशनल क्राइम होता है, क्राइम अभी ऐसा होता है ना कि क्राइम बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। आप क्राइम का मतलब हमें बस किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, राइट। सो यह तो है ही मतलब क्राइम, लेकिन ये भी क्राइम है कि आप अगर गलत तरीके से मतलब रॉन्ग वे से आप अगर कोई एक्टिविटी करते हो। सपोज करिए कि अगर आप एग्जाम ही अगर गलत चीटिंग करके पास होते हैं या फिर किसी और तरीके से मतलब प्रॉपर एग्जाम देके नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्राइम है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि टेरर हो गया, ब्लैक मनी हो गई, राइट, टेरर फंडिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें सब क्राइम है, राइट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री के ना पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस जो है कि मिल करके ना ये काम करती हैं। इंडिया में जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, ये लोग जो है कि मतलब मिल करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, पहला बात। दूसरा बात, कॉमनली हम इसको इंटरपोल के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे देखें तो ICPO ही बोला जाएगा, लेकिन इंटरपोल हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हमें पता हो गया कि ये क्या करता है। मतलब ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको दो पुलिस, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे इंटरपोल का ऑफिशियली नाम क्या है तो वो आप पूछ लेगा, या फिर ये नाम दे इंटरपोल ज़्यादा कॉमनली है तो इंटरपोल हटा के इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दे दे, राइट। तो पूछ दे कि मतलब इसका काम क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि इंटरपोल ICPO सेम है, कॉमनली जानने के लिए इंटरपोल भी है। इसका काम क्या है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती हो चाहे किसी भी तरह की हो, तो दो कंट्री के मिल करके, सपोज करिए कि कोई इंडियन क्राइम करके या फिर कोई मतलब अमेरिकन क्राइम करके इंडिया में आ गया, तो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो वहाँ की FBI या यहाँ वहाँ USA की जो लोकल पुलिस है वो आएगी, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, कोऑपरेट करके अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसको डिपोर्ट किया जाएगा, राइट। हालांकि वो अलग प्रोसीजर अलग अलग तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो देखिए ये ऑलमोस्ट आपकी 1923 में, मतलब कि 1923 मतलब अब 23 है ये, अब आने ही वाला है 100 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट और समझ सकते हो उस समय किस तरह का नज़ारा था, पूरा कॉलोनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। USA का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, USA का इन्फ्लुएंस जब कोल्ड वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ तो उसके बाद जो है कि देखा गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऑलमोस्ट 195 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इनफैक्ट की मेंबर है, राइट। ऐसा नहीं कि इंडिया मेंबर्स नहीं है इसका, तभी तो यहाँ पे इस साल चेयरमैन शिप कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये हमें पता चलना चाहिए। हेड क्वार्टर देखिए इसका है लेयोन। अब आपको पता होना चाहिए कि लेयोन कहाँ, फ्रांस में है, फ्रांस में कहाँ पे।
अब आपसे इस क्वेश्चन, अगर देखिए अब तक की जो हमने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या सेम है? जी हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मेंबर्स कितने? 195 है। इंडिया क्या मेंबर है? जी हाँ इंडिया भी मेंबर। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1923। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये जो कि लियोन और फ्रांस में। क्वेश्चन पूछ देगा एक भी कि लियोन कहाँ पे पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हेड क्वार्टर है इंटरपोल का, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। काम क्या है इसका? जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं ये लोग, इसके लिए ये करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसके और भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करें तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर हमें इंटरपोल के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज में था, 100 ईयर होने वाला है 23 में, और इंडिया इसका मेंबर है, और इस साल का सेशन इंडिया में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। दैट्स वाई पॉसिबल एनी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।